सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वो कुछ हटके है, कुछ यूनिक है। किस लिए यूनिक है? क्योंकि पिछले 15-17 दिन से हमने धर्म की बहुत सी बातें सुनी। एक सर आए थे, उन्होंने सोहम कोहम की भी बातें कही। एक सर आए थे, कोहम मतलब मैं कौन हूँ, जब पैदा हुआ था तो मैं कौन हूँ, अब जब गुंगा आदमी पैदा होगा तो रोएगा, कोहम थोड़ी करेगा वो। सोहम कोहम एजिंग की बात हुई थी, जब लोग बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा, वो तो नेचुरल है, बूढ़ा तो होना ही है सबको। तमाम समस्याएं हैं और बहुत से डिजीज भी हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने जो अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है, प्राणायाम। देखिए, जो टीवी में दिख रहा है प्राणायाम, ये आजकल एकदम ट्रेंड बन गया है कि जब आप सड़क से गुजरेंगे वहाँ पर लोग क्या बैठ के फूक फाक शुरू कर देते हैं। देखे होंगे आप लोग, अभी तो ये शहर में ही दिख रहा था, मगर अब मेरे गांव में भी ये दिख रहा है, जो कि बड़ा ताजुब हुआ कि गांव के लोग ऑलरेडी कम से कम जनरल बिना रोक के 85-90 तो क्रॉसिंग कर जाते हैं बिना रोक के। पर अब वो लोग भी अवेयर हो गए हैं कि हम लोग फूक फाक करें तो उससे क्या होगा, रोग नहीं होगा, मगर पता नहीं क्या होता है, मैं आगे डिस्कशन करूँगा। और एक चीज़ और मैं ये भी बता दूँ कि यही जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, यही जो है आयुर्वेद है, मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। यही गायत्री मंत्र है, यही प्रणव एंड ओम है, जिसको प्रणव को ओम भी कहते हैं। फिलॉसफी वाले सर लोग ज़्यादा जानते होंगे, हमको बहुत नॉलेज नहीं है, पर फिजिकल एजुकेशन के हम इसलिए यह टॉपिक सिलेक्ट किए कि हम कुछ चीज़ें आप लोगों को बताएं जो कि कुछ मेरे फील्ड से रिलेटेड हो। प्राणायाम अकॉर्डिंग टू शास्त्र साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, शास्त्र के अनुसार मैं इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करूँगा। मेरा एक कोट से एक है, नो डेट्स बट लीड्स टुवार्ड्स लाइफ, वर्क ऑफ 10 मिनट्स क्योर ऑल डिजीजेज। मृत्यु नहीं जीवन की ओर चले, मृत्यु नहीं जीवन की ओर चले, 10 मिनट की क्रिया आपको संपूर्ण रोगों से मुक्ति दिला सकती है। मात्र मैं 10 मिनट का आपसे कह रहा हूँ, उससे 11वां मिनट नहीं लगेगा, ये मान चलिएगा। दो शब्द मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ एक ऐसा संवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो अध्यात्म जगत का मूल योग है, मैं उसको उसी तरह से रखना चाहता हूँ जैसे कि वो गीता और पतंजलि का योग सूत्र कहता है। देखो, हमारा गीता का बुक भी वही सेम चीज़ कह रहा है जो चीज़ पतंजलि का योग सूत्र कह रहा है, दोनों का वर्ड सिर्फ डिफरेंट है। मैं उसी को उसी के रूप में रखना चाह रहा हूँ जो कि आजकल का कोई आचार, जितने लोग योगा प्राणायाम करवा रहे हैं कोई नहीं रखा है। और यही कारण है हमारे देश की दुर्दशा का, यही कारण है। सर ने बताया, मुझे पता नहीं था, परसों दिन सर वो देवधर त्रिपाठी सर, क्या नाम था जो लंबे थे हमारे सर से, हरिदत्त त्रिपाठी सर, सॉरी, सर ने बताया कि धर्म जो है धरी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अरे मुझे पॉइंट मिल गया बड़ा अच्छा सा, मैंने कहा वाकई में धारण करना। और उसके 10 सिम्टम होते हैं जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, जो मोच लोभ इत्यादि से दूर हो सके, 10 सिम्टम है उसको। वो धर्म कैसे होगा आखिर, उसको धारण करने से होगा। और धारण क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या चीज़ धारण किया जाए। एक लाइन मैंने फिर लिखा है इसमें, द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी देश का विकास उसके मानव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, न कि जनसंख्या पर। और मानव संसाधन की गुणवत्ता जो निर्भर करती है वह स्वास्थ्य और शिक्षा पर निर्भर करती है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर करती है निर्भर, मगर कोई भी ऐसा एजुकेशन नहीं है जो कि हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास कर सके। जबकि पहले था, विवेक सर ने हमको बताया था
कि गुरुकुल में ऐसा होता था कि डिबेट होता था उस टाइम, डिबेट के बेस पर लोगों का सिलेक्शन होता था। मतलब कहीं ना कहीं ये था कि उनका मेन मोटो जो था वो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों एस्पेक्ट को लेकर चलते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जिनके अंदर तीनों डेवलप हो गया उनकी ज्ञानेंद्रिया जो कंट्रोल में हो जाएगी, वो धर्म की लड़ाई नहीं करेंगे, उनको फिर ये नशा पत्ती और वगैरह वगैरह से मतलब नहीं रहेगा, मतलब कि एक होल सोल बॉडी वो बन सकता है। तो यही मैंने लिखा कि बट इन मॉडर्न इंडिया देयर इज नो सच टेक्निक दैट कीप चिल्ड्रेन हेल्दी, मतलब कोई ऐसा टेक्निक नहीं आज के लोगों ने विकसित किया है जिससे कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। आई एम रेंडिंग द सेम विद्या, यू कैन लर्न, टेक एडवांटेज ऑफ योर सेल्फ आर स्प्रेडिंग। मैं वो विद्या आपको बताने जा रहा हूँ और आप उसको सीखिए और करिए और करवाइए, तीनों चीज मैं बता रहा हूँ, और इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। मतलब अगर आज आप उसको किए तो कल इसका आपको एडवांटेज मिल के रहेगा। अब कहेंगे कैसे सर, तो आगे हम बताते हैं। ये देखो एक ऋषि मुनियों का काट वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, जितना भी साइंस है अब इस पर लग जाए पूरा। ऑल डिजीजेज आर एबोलिश्ड बाय अडॉप्टिंग प्राण इन नाभि कुंडे। ऋषियों का काट वचन है कि नाभि कुंडे वायुसुधारा सर्व रोगा नश्यन्ति है, बट नाभि कुंड में वायु धारण करना सर्व रोगा नश्यन्ति, ये तो बहुत सिंपल कहना है कि सब रोगों का नाश हो जाएगा सिर्फ नाभि कुंड में हवा तो भरना है, भर लो, और लोग लगते हैं भरने खींच खींच के, बट लेकिन हाउ, सवाल ये उठता है क्वेश्चन मार्क, कैसे, व्हाट इज टू बी प्रिजर्व फर्स्ट इन दिस वर्ल्ड, संसार में सबसे पहले किसे सुरक्षित रखा जाए, बिकॉज लाइफ इज गोइंग टू कम, क्योंकि प्राण ही जाने वाला है, यहां से क्या जाने वाला है, प्राण, बाकी सारी चीजें यही रह जाएंगी, आपकी बॉडी यही रह जाएगी, आपका सारा पैसा यही रह जाएगा, कपड़ा रह जाएगा, जूता, एसी, जितनी बात हो रही है, गगरी का पानी वानी सब यही रह जाएगा। All things in the world will be here, सभी चीजें यहीं पर आ जाएंगी। If any logic seen, अगर किसी भी आप logic वे से देखें, then in the list of safety, प्राण gets first place। अगर safety के point of view से देखा जाए तो किसका number one स्थान आता है, प्राण का, प्राण का number one स्थान आता है। आगे देखिए, but everybody, डॉक्टर लोग बुरा नहीं मानेंगे इस चीज को, बट एवरी बॉडी गिवेन दिस प्राण फॉर सेफ्टी इन द हैंड्स ऑफ अदर, मगर इस प्राण की सुरक्षा हम किसको दे देते हैं, डॉक्टर के हाथ में, जिससे हमारा सिर्फ और सिर्फ संबंध रहता है पैसे का। कुछ सबको नहीं मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट डॉक्टर को नहीं कर रहा हूँ, तो बिना पैसे काम करते हैं, पर प्राइवेट में देखिए अगर घुटने का दर्द है तो उसका पूरा सीटी स्कैन पेट का भी करवा देंगे। तो डॉक्टर से जो संबंध हमारा है सिर्फ पैसे का, उसको हम अपना प्राण दे देते हैं कि लो भैया आप हमारा ट्रीटमेंट कर दो, जो लिख देगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे कि ये सही है, इसका हमें यूज करना है। हाउ इज इट वाइज टू गिव योर लाइफ द हैंड्स ऑफ अदर्स, ये क्या बुद्धिमानी है कि अपना प्राण आप दूसरे के हाथों में दे दें, नो, यू कैन इमेजिन इट एंड नो द सेफ्टी ऑफ योर लाइफ। अब अपने सुरक्षित जीवन के बारे में सोचें, इन वर्ल्ड अष्टांग योग स्टार्ट बाई मेनी आचार्य, बट नो बॉडी हैड डिफाइंड ब्रीथ, प्राण, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, पूरक, रेचक एंड कुंभक बाई विच प्राणायाम इज डन। बहुत से आचार्यों का आज अगर साधना अगर चैनल आप टीवी पर खोल देंगे 50 तो मिल जाएंगे जो कि आपको रोज प्राणायाम योग सिखा रहे हैं, मगर आज तक से ये कोई नहीं डिफाइन कर पाया कि पूरक, सॉरी, श्वास क्या है, श्वास क्या है, प्राण क्या है, प्रश्वास क्या है, पूरक क्या है, रेचक क्या है, कुंभक क्या है। आपको पता है पूरक सब लोग जानते होंगे, पूरक मतलब सांस अंदर खींचना, दैट इज पूरक, मगर आप कंफ्यूज मत होइए, पूरक वो है ही नहीं,
मगर सब लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, सबके लिटरेचर कह रहे हैं। और तो और छोड़िए, श्वास का डिफिनीशन अगर आप बाबा रामदेव की किताब में पढ़ लेंगे तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा आपका। उसमें लिखा है, एक बार विवेक सर ने कहा था कि कोई रामदेव को चैलेंज दिया है, मैं दिया हूँ चैलेंज, मैं बता दे रहा हूँ मैंने चैलेंज दिया। मैंने दो दो लेटर लिखे हैं और मेरे लेटर कॉपी इस्तफाक से वो कॉपी मेरे कॉलेज में है, नहीं तो मैं आज लेकर आता उसको, उसका जवाब नहीं आया अभी तक, मैं आपको बता रहा हूँ। और बालकृष्ण तो लखनऊ में भाग गए स्टेज छोड़ के, उनके जो शिष्य जी है, श्वास लिखे हैं कि श्वास क्या है, जिसको हम लेते हैं वो श्वास है। वाह, जिसको हम लेते हैं वो श्वास है, तो आदमी कभी मरे ही ना, जब मरने वाला हो तो ले ले। वाह, क्या डिफाइन कर दिया, जो हम छोड़ते हैं वो प्रश्वास है, मतलब जब मरने वाला है छोड़ दे प्रश्वास हो जाएगा, ले ले श्वास हो जाएगा, छोड़ दे प्रश्वास हो जाएगा। और इसी चीज को द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, 23 जून को वर्ल्ड योगा डे इसी पर मनाया जा रहा है, पूरा संसार परेशान हो गया है और इससे रोग घटने वाले नहीं है, बढ़ने वाले हैं। ये मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हेल्दी एंड प्रॉस्परस इंडिया मे बी अचीव्ड बाई परफॉर्म करेक्ट प्राणायाम नॉट श्वासायाम। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि स्वस्थ और समृद्ध भारत जो इंडिया का प्रोजेक्ट है वह सिर्फ प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है वो प्राणायाम से, न कि श्वासायाम से। और जो भी टेक्निक कराई जा रही है वो क्या कराई जा रही है, श्वासायाम। क्यों? क्योंकि श्वास और प्राण में कोई अंतर ही नहीं कर पाया, ऐसे हम बोल लेंगे तेज में, श्वास और प्राण में कोई डिफरेंस ही नहीं किया कि भाई श्वास क्या है और प्राण क्या है। जब दोनों अंतर मालूम होगा तभी ना, प्राणायाम इज द साइंस ऑफ प्राण, नॉट अ साइंस ऑफ ब्रीथ। साइंस ऑफ ब्रीथ नहीं है ये, श्वास का जो है कि विज्ञान नहीं है, और हम उसको श्वास का विज्ञान मान के श्वास के साथ कर रहे हैं। कंटिन्यू करें, अब देखिए प्राणायाम जो है मींस ये साइंस ऑफ प्राण है। देखिए अब इतनी बड़ी विद्या है कि योग चूड़ा उपनिषद में इसका वर्णन है कि अनयो सदृशो विद्या, अनयो सदृशो जप, अनयो सदृशम ज्ञानम, न भूतम न भविष्यति। मैंने इसके समान न कोई विद्या है, न इसके समान कोई जप है, न इसके समान कोई ज्ञान है, न इस टाइम है, न भूत में था, न वर्तमान में होगा। मतलब ये एक संत मत है, इसको मान लीजिए कि एक संत मत है जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता। लास्ट स्लाइड में इस पर और चर्चा करेंगे अभी हम। अब प्राणायाम जो है, देखिए प्राणायाम अपना एक्शन खुद बात करेगा, प्राणायाम की मीनिंग जो है वो अपने आप ये बात करेगी। प्राणायाम जो है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयाम, सिंपल से संधि विच्छेद सब लोग पढ़े होंगे। प्राण की मीनिंग क्या है, जो अमर कोश कहता है यह प्राण यति प्राण, वह जो कि शक्ति दे, दैट इज द प्राण। हमने उसको इंग्लिश में लिखा है प्राण मीन्स पावर विच गिव्स अस स्ट्रेंथ, जो कि हमें शक्ति दे। एंड रिमेंबर दैट द एयर ऑफ ब्रीदिंग इज नॉट प्राण, जो श्वास की हवा है वो प्राण नहीं है। बट प्राण इज दैट पावर विच ब्रिंग्स ब्रीथ इन एंड आउट इन आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। सिंपल सी एकदम बात है कि जो सांस अंदर जा रही है और जो सांस प्रश्वास बाहर निकल रही है वो किसी के माध्यम से हो रही है। क्यों हो रही है किसी के माध्यम से, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द फोर्स, फिजिक्स में सिंपल सी बात है। अब सांस अंदर जा रही है आ रही है, इसमें गति है, तो गति है तो कहीं ना कहीं इसमें फोर्स है, और वो फोर्स क्या है, प्राण। प्राण वह शक्ति है जो श्वास को अंदर लेकर जाती है, और प्राण वह शक्ति है जो कि श्वास को बाहर लेकर आती है। इसीलिए आदमी क्या कहता है, इसीलिए आदमी क्या करता है, जैसे ही आदमी मरता है सबसे पहला शब्द निकलता है प्राण निकल गल, इनकर प्राण इनका निकल गया, मीन्स इनकी सांस और प्रश्वास जो है बंद हो गई।
क्योंकि वो प्राण जो लेकर जा रहा है, जो कि पावर है बॉडी में, इसको इम्यूनो पावर हम तो कहते हैं, अगर वो पावर जो है कि कहीं से मिस्टेक हो गया, निकल गया बाहर, तो समझ लो कि आप गए, आपकी श्वास प्रश्वास बंद। अब ये प्राण की मीनिंग आपको पता हो गया कि प्राण क्या है और श्वास क्या है। मतलब श्वास प्राण नहीं है, श्वास क्या है, प्राण के माध्यम से आने और जाने वाली हवा है। देखिए अंतर समझिए, और उसी श्वास को लोग प्राणायाम करवा रहे हैं, दैट इज ए श्वासायाम, नॉट ए प्राणायाम। श्वासायाम कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है, कहीं श्वासायाम का उल्लेख नहीं है। अब आयाम की मीनिंग समझिए, आयाम भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये भी संधि विच्छेद में हम लोग जानते हैं। अ प्लस याम, मतलब कि उपसर्ग लगा हुआ है, और याम जो है, याम मीन्स होता है गमन करना, याम मीन्स होता है गमन करना, हिंदी में शायद ये पता होगा। आ उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब उल्टा गमन करना, प्राण का उल्टा गमन करना ही प्राणायाम है। देखिए ये थ्योरी अपने आप ये एक्शन को इंडिकेट्स कर रहा है कि प्राण का उल्टा गमन करना ही प्राणायाम है। उसी को संतों ने क्या कह दिया, गरीबदास कबीरदास, कबीरदास जी कह दिया कि उल्टा पवन बहावे जोगी, गरीबदास जी कह दिया श्वास उशास पवन को उल्टे। प्राणायाम इज द साइंस ऑफ प्राण, नॉट साइंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। हाउ प्राण इज स्प्रेड इन बॉडी बाय डिफरेंट वे, प्राणायाम इज फॉर अष्टांग, ये योग का ये चौथा भाग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, चौथा भाग है। अब कुछ तो योगी चार लोग लगेंगे कहने कि पहले यम नहीं सिद्ध किए लगे प्राणायाम करने, नहीं उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो सब बाद में चर्चा होगी, फिलहाल आगे चलते हैं क्योंकि वो बताना आपको 10 मिनट वाला जरूरी है। अब उपनिषद योगा डिफरेंट ये बुक्स हैं, जो कि मैं सिर्फ दो बुक को लिया हूँ, दो बुक नहीं जो कि सबसे प्रचलित है, एक तो पतंजलि का योग सूत्र। फिजिकल एजुकेशन में मतलब योग पर इतना रिसर्च होता है कि हम एकदम परेशान हो गए कि तुरंत बस कपाल भाती का इफेक्ट देख लेंगे, अनुलोमा विलोमा का इफेक्ट देख लेंगे, पहुँच जाएंगे आयुर्वेदा में रिसर्च करने अप्लाइड में, वहाँ पर पता नहीं कौन सा वत पित्त वत काफ क्या क्या कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं नहीं आप उसमें हंसिए मत, एक्चुअली क्या है वो वात पित्त कफ जो है, वो पंचभूत जो है उसका एक अलग इतिहास है, वो बहुत मैडम ने कल बताया भी, वो भी प्राणी है, पांच पांच प्राण के भी पांच भाग हैं, प्राण व्यान उदान समान है, ये यही पंचभूत है, उसको आगे मैं कभी डिफाइन करूँगा टाइम मिला तो पतंजलि का आप देखो प्राणायाम सीधे सीधे ये कहता है कि मला कुलेशु नाड़ीसी मारुते नच मारुते न गचती तस्मा दादो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तत्व्यस्त। मतलब कि मल युक्त नाड़ी में कभी भी प्राण का जो वेग है वो सही से नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे पहले जो है कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि की क्रिया करनी चाहिए। अब नाड़ी शुद्धि की क्रिया छोड़िए, सबसे पहले अनुलोमा विलोमा का इफेक्ट देख ले रहे हैं लोग, पता नहीं कैसे मालूम हो जा रहा है, नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे की स्टोरी में बता रहा हूँ क्यों। अब पतंजलि का योग सूत्र क्या कहता है, ध्यान सुनिए, इस योग सूत्र में बड़ा लड़ाई है, जबरदस्त हेराफेरी हुई है इसमें, आपको ताजुब हो जाएगा। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम परायणम, तस्मिन सति, देखिए इसका संधि संस्कृत वाले जो कि अच्छे से कर पाएंगे, हम तो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, कितना ज्ञान है, पर जो भी ज्ञान है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तस्मिन सति मतलब उसमें होकर, तस्मिन सति में मीन्स होता है उसमें होकर, उसमें होकर मतलब यह है कि प्राणायाम के पहले आपको क्या बताया गया था, जो अष्टांग योग थे उसमें प्राणायाम के पहले जो है वो आसन था, क्या था आसन, तो आसन में होकर श्वास प्रश्वास, श्वास जो कि प्राण अंदर लेकर जा रही है, प्रश्वास जो कि प्राण बाहर लेकर आ रही है, उसके गति को विच्छेद कर देना। अब देखो विच्छेद का लीला, जितना आप लिटरेचर पढ़ेंगे योग में, मैं गारंटी के साथ, अभी गूगल पर आप सर्च कर लेंगे तो दंग खा जाएंगे कि गूगल पर या कहीं भी आप किसी का लिटरेचर तो खोल के देख लीजिए कि विच्छेद का अर्थ तो लोगों ने लिखा है कि रोक देना, औरों ने तो गजब कर दिया है, औरों ने क्या कर दिया, विच्छेद का मतलब खींच देना, गजब गजब एक्सप्लेनेशन कर दिए, और जबकि विच्छेद का अर्थ अगर प्राइमरी के बच्चे से पूछ दिया जाए तो वो बता देगा काट देना, और वी उपसर्ग लग गया है तो विशेष रूप से, देखिए विशेष वर्ड का बहुत मायने है, ऐसा नहीं कि
विशेष का मतलब ये हुआ कि बाएं नाक से खींच दिए, दाएं से छोड़ दिए, दाएं से खींच दिए, बाएं छोड़ दिए, ये विशेष हो गया। ये कौन सी टेक्निक है भैया? तो कोई कर देगा। तो विशेष रूप से काट देना प्राणायाम है। अब देखो भैया, विशेष रूप से किसको काटा जाए? कहोगे सर, अब गीता का श्लोक क्या करता है? देखिए उसी में गीता ने अपना श्री कृष्ण भगवान जो है कि अर्जुन को सिखाए, बताए अपाने जुहति। देखिए यहाँ पर जो पतंजलि ने बताया वो श्वास प्रश्वास की बात किया, पतंजलि ने जो योग सूत्र में बताया वहाँ श्वास प्रश्वास की बात की और वहाँ गति विच्छेद की बात हुई है। ध्यान देना, ये एकदम इक्वेशन है मैथ का, गति विच्छेद की बात हुई और यहाँ पर गीता में जो है प्राण अपान गति रुद्धवा की बात हुई, रोकने की बात हुई। दोनों देखिए लिटरेचर डिफरेंट है मगर दोनों की मीनिंग सेम है, बशर्ते अंतर क्या है कि एक जगह उन्होंने जब श्वास प्रश्वास की बात की तो गति विच्छेद की बात कर दी, मतलब कहीं ना कहीं प्राण से अलग की बात कर दी। और अच्छा सर, कहीं पर जो है जब प्राण अपान की बात हुई कि अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायण, अपान को प्राण में मिलाना, प्राण को अपान में, ये यज्ञ है। उन्होंने बताया कि प्राण का अपान में, अपान का प्राण में, ये प्राण की गति को रोक देना जो है वो प्राणायाम है। आगे देखिए, अब वही है कि श्वास क्या है, प्रश्वास क्या है, गति विच्छेद क्या है, ये हमने बता दिया कि आपको श्वास देखना है, प्रश्वास देखना है और गति विच्छेद मतलब आपको गति को कहीं विच्छेद करना है। अब सुनिए एक और विटमना सुन लीजिए, अगर आप किसी भी योगी के यहाँ जाइए, कोई योगी हो, मतलब ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चैलेंज करना ठीक बात नहीं होती है, किसी भी आप योगी के पास जाइए और ये बस उनसे बस क्वेश्चन कर दीजिए कि फर जो आप खींचने के लिए बता रहे हैं सांस, वो कब खींचा जाए? क्योंकि सांस का तीन बिंदु है, आकार, उकार और मकार, जो कि ओम बनता है प्रणव, आकार, उकार और मकार, तो किस बिंदु पर इसको विच्छेद किया जाए, खींचा जाए? देखिए कोई रिप्लाई नहीं आएगा। और साफ साफ कहता है, ऋषियों का कथन है, सकारे सूतकम विद्यात हकारे मृत्यु आदिशेत आहुति तत्र दातत्यम यत्र अकारे दृश्यते। अगर आपका सांस ऊपर जा रहा है सकारे सूतकम, उस टाइम अगर आपने उसको छेड़ दिया तो समझ लीजिए कि लास्ट कंक्लूजन मेरा यही है कि वाइज मैन प्रोटेक्ट हिज प्राण एंड फुलिश मैन प्रोटेक्ट हिज बॉडी। बुद्धिमान लोग हमेशा अपने प्राण की रक्षा करते हैं और मूर्ख लोग अपने शरीर की, क्योंकि शरीर जो डिपेंड करता है वो प्राण पर करता है। यदि आपका प्राण मजबूत है तो आपके शरीर पर कुछ नहीं हो सकता, मतलब आप अजर अमर हैं, समझ लीजिए। आपको इसका एक एग्जांपल बता दें कि आजमगढ़ में देवरावा बाबा का नाम आपने सुना होगा, मोर देन 300 इयर्स, अब कौन सी साइंस काम करेगी उसमें? आगे देखिए, एक मेरा और कथन है, इसके बाद का ये एडवांस थोड़ा सा है, नानक दुखिया सब संसार सुखिया वही जो नाम अदा। अब ये नाम की भी बहुत बड़ी महिमा है, कोई कहता है राम है, कोई कहता है ओम है, कोई कहता है कुछ है। और मालवीय जी कह गए हैं, दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हरि नाम। अब हरि नाम है क्या, इसमें तो पहले डील हो जाए, हरि नाम है क्या? क्योंकि कबीर दास जी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, राम नाम सब कहे नाम न चीने को, नाम चीन सदगुरु मिले नाम कहा सो, तो बात की चीज़ें। और नाम की कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बिड़ले जाने को। ये भैया बड़ा गुप्त रहस्य है, ये मत समझिए कि आराम से बैठ कर राम राम माला फेरने लगे हो जाए काम, कुछ नहीं होने वाला है। आगे देखिए, दिस इज मेरा लास्ट पॉइंट है, थैंक यू।